Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Kids Science, Grade 5, Chapter Number 4, and the topic is Environmental Pollution. Let's move towards the biodegradable and non-biodegradable materials, that is on page number 35. Biodegradable and non-biodegradable materials, page number 35. Waste can be divided into two main categories based on the way they decompose. सबसे पहला है biodegradable materials. ये वो materials हैं जो naturally bacteria, like microorganisms के through dispose of हो जाते हैं, decompose हो जाते हैं, उनको हम biodegradable materials bolenge. The material which can be decomposed easily naturally by microorganisms like bacteria and fungi are biodegradable materials like vegetable, fruits, leaves, animals, excreta, etc. are biodegradable materials. अब non-biodegradable materials कौन से हैं? ये वो material हैं जो decompose नहीं होते naturally. तो फिर उनके लिए हमें ऐसे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कम से कम यूज़ करें या फिर ख़त्म कर दें उन चीज़ों का यूज़ करना, बिकॉज ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते. द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली इन अ नेचुरल वे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास आइटम, थिंग्स made from metals are non-biodegradable materials. They take a very long time to rot and decompose completely. एक बहुत लंबा अरसा लेते हैं डिकम्पोज होने में. सो अ बिग नोट non-biodegradable materials. How to reduce non-biodegradable material waste? Non-biodegradable materials can be reduced by adopting the 4R principle. The 4R stands for reduce, reuse, recycle and refuse. Reduce हमें क्या करना है? The amount of waste you produce, we have to reduce. Reuse क्या करना है? Items instead of throwing them away wherever possible. हम क्या होता है, पानी पीते हैं, पानी की बॉटल फेंक दी. हम लोग कोई ड्रिंक ले रहे हैं, ड्रिंक फेंक दिया. चिप्स खा रहे हैं, हमने गार्बेज डस्टबिन में नहीं फेंका, हमने कहीं पर भी जहाँ हमें जगह मिली हमने फेंक दिया. सो वट वी आर डूइंग, आर वी प्लेइंग आर रोल इन प्रोटेक्टिंग आर एनवायरमेंट? नो, वी आर नॉट प्लेइंग आर रोल. वी हैव टू प्ले आर रोल फर्स्ट, फिर हम आगे जो है वे एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि फर्दर कोई भी है वो स्टेप ले रहा है. री यूज़ करना है आपने उन चीज़ों को, लाइक एम्प्टी बॉटल्स ऑफ जैम कैन बी री यूज टू स्टोर थिंग्स इन द किचन. ये नहीं कि उसको फेंक दें, आप री यूज़ करें. उससे क्या होगा कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं. रिसाइकल यूज्ड आइटम टू मेक न्यू थिंग. रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द ओल्ड वंस. ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं, मतलब उनसे आप कोई नई चीज़ बना लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने एक दफ़ा यूज़ कर ली है. रिसाइकलिंग है ही ये प्रोसेस कि आप नई चीज़ें बनाएं पुरानी चीज़ों से. रिफ्यूज़ किन चीज़ों को हमें रिफ्यूज़ करना है, रिजेक्ट करना है, हमने यूज़ नहीं करना. डू नॉट यूज़ द आइटम्स विच कैन नॉट बी री यूज और विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. जो री यूज़ नहीं हो सकती, जैसे हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, उन चीज़ों को आप कम से कम यूज़ करें. ये देखिए बॉटल बनाई हुई है, इसे हमने रिफ्यूज़ करना है. रिड्यूस, री यूज़, रिसाइकल, ये डिफरेंट साइंस बनाए हुए हैं. इससे क्या होगा, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकेंगे. पेपर कैन बी रिसाइकल्ड ओनली 6 times. आफ्टर दैट द फाइबर्स आर टू वीक टू होल्ड टुगेदर. अब पेपर जो है वो 6 times रिसाइकल हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर फाइबरस मटेरियल होता है वो वीक हो जाता है. तो फिर इस आगे फर्दर जो है उसकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल. कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.